हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। ये देखो, एक सदाबहार का हाइब्रिड वैरायटी है, ये विंका बोलते हैं इसको। इसके कितने खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं और गुच्छों में आए हुए हैं। और मैं ये अपने यहाँ पे एक लोकल नर्सरी है उससे लेकर के आया था। मेरे पास और भी सदाबहार के पौधे हैं, आपको दिखा सकता हूँ, उसमें भी फ्लावर्स आए हुए हैं। आप ये देखिए, ये एक देसी वैरायटी है, इसमें भी काफ़ी फ्लावर्स आ रहे हैं। काफ़ी ग्रोथ है, कम से कम 2 फीट इसकी हाइट होगी, आप देख पा रहे हो। तो मैं फूल आए हुए हैं, देखो ये कलियाँ आई हुई हैं, बाकी ये जड़ गए हैं। फूल मैंने इसमें खाद डाली थी थोड़ी सी आज, ये देख पा रहे हैं आप। मैंने काउडंग में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं ऑर्गेनिकली इसमें, देखिए आप सभी देख पा रहे हैं कि दूसरा मेरा और सदाबहार का पौधा है। ये फ्लावर देखिए आप, आए हुए ये भी मैंने लगाया हुआ है। और मैं ये गमला, ये इसको आज मैं गमले में लगाऊंगा, आप देखिएगा इसमें काफ़ी अच्छे खूबसूरत फूल आए हुए हैं। मेरे पास एक 6 इंच का नॉर्मल पॉट है, मैं उसमें इसको लगा रहा हूँ। बाकी इसमें जब बाद में अच्छी ग्रोथ आएगी तो मैं इसको रिपोर्ट करके बड़े पॉट में लगा दूंगा। देखिए सर, ये मेरे पास 6 इंच का एक पॉट है, इसमें मैं इस पौधे को लगाऊंगा। ये पुराना मेरे पास पॉट रखा हुआ था एक, मैं इसको लेके आया था तो ये पॉली बैग में आया था। ये मेरे पास एक गार्डन सोइल है, मैंने इसमें काउडंग मिक्स की हुई है, इसमें कोई मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया हुआ है। मैं इसको लगाऊंगा। तो मेरे पास 2-3 वैरायटी हैं इस तरीके सदाबहार की, जो काफ़ी अच्छे फ्लावर्स इनमें आते हैं, खूबसूरत टाइप के। तो दोस्तों, ये मेरा प्लांट है, मैं इसको पॉली बैग में से इसको निकाल रहा हूँ, आप देखिएगा। आप भी इस तरीके से अपने घर पर फ्लावर्स के प्लांट लगाइए। बोलो। देखिए दोस्तों, मैंने ये पॉली बैग इसका हटा दिया है और इसमें रूट इसकी काफ़ी फैली हुई, आप देख पा रहे हैं। तो इस गमले में मैं लगाऊंगा, हालांकि ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, जो जितनी पॉली बैग आए थे उसके मुकाबले 3 या 4 इंच ही बड़ा होगा, कुछ खास फर्क है नहीं। पर ठीक है, मैं फ़िलहाल इसमें लगा दे रहा हूँ। अगर इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी तो मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूँगा। अभी पॉली बैग से तो अच्छा ही है कि मैं इस 6 इंच के पॉट में इसको लगा दूँ, ताकि और इसमें फर्टिलाइज़र भी मिक्स हो जाए, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी अच्छी फर्टिलाइज मिट्टी है, इसमें मैंने काउडंग यूज़ की हुई है पूरी तरीके से, खली गली गोबर की खाद है। ये मेरे पास में एक गौशाला है, एक गुड़गांव मेरे घर के पास में ही। तो देखो दोस्तों, इसको मेरे लगाने में भी छोटा बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी इसमें मैं एक खाद लगा दे रहा हूँ। अब मैं इसकी मिट्टी हटा देता तो थोड़ा सा उगने में पौधे को प्रॉब्लम आती, ताकि पर मैंने इसकी मिट्टी इसमें लगी रहने दी है। मैं इसको अच्छे से इसमें घुमा दूंगा। देखिए दो, ये हाइब्रिड वैरायटी है सदाबहार की, बहुत इसमें अच्छे फ्लावर्स आते हैं और बड़ी ही आसानी से हो जाता है ये देखिए दोस्तों, ये मैंने प्लांट लगा दिया है। आप इस तरीके से फ्लावर्स के प्लांट अपने घरों में लगा सकते हैं। अब इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आएंगे, आ रहे हैं, इस तरीके से मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और आप भी लगाइए। थैंक यू दोस्तों। मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूंगा अभी, क्योंकि अभी ये मिट्टी इसमें एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, पानी जाएगा तो ठीक है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।